केजरीवाल क्या कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा किसी के लिए। वो कह रहा है 4 लाख लोगों को भोजन, कुछ भी नहीं कर रहा। कौन सा 4 लाख है, बुलाओ ना, कौन सा 4 लाख लोगों को वो करवा केजरीवाल ने भोजन। जो लोग दिल्ली छोड़ करके गए, इसका मतलब किस लिए गए? खाने के लिए तकलीफ गए हैं, सरकार की वजह से गए हैं। सरकार अगर बंदोबस्त किया होता, जो जहां काम जो करता है उसके मालिक के ऊपर डंडा सरकार चढ़ाया होता तो कौन जाता? केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली फ्री दी, कहता गरीबों को। वो दिखाने के लिए है, वही चूस रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। मैं तो नहीं जानता कि कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, चूस रहे हैं पब्लिक को उल्टा। मोहम्मद इस्लाम जी, आपको ये पैकेट मिल रहा है भोजन का, तो मंदिर में ही खा लेते अभी रोज का। माने खाने वाले थे, पटरी पे सोने वाले अभी थे। मंदिर में मिल रहा है? हाँ, मंदिर में मिल रहा है। जाते हैं जहाँ आरएसएस वाले बना रहे हैं, वहीं आपको देते हैं वो। हाँ, वहीं पे देते हैं। क्या कर रहा है, हम तो भूखे मर रहे हैं। कभी कहाँ दुकान में मांगते, कभी कहाँ घरों में मांगते हैं, कोई भी नहीं दे रहा। हम झंडेवालान में कुछ ऐसे लोगों से मिले हैं जिनको ये मदद आरएसएस ने जो की है, पैकेट की ये मिली है। क्या नाम भैया आपको? मोहम्मद समीर। आपको ये जो आरएसएस वाले मदद पहुंचा रहे हैं, खाने का पैकेट ये मिल रहा है? मिल रहा है सर जी, हर जगह जगह मिल रहा है। अच्छा, आपको यहाँ मंदिर पहुंचा के ही दे रहे हैं या जाना पड़ रहा है इनके पास? नहीं, यहाँ से मिल रहा है सर जी, हम यही रहते हैं। यहाँ तो मजदूर आदमी हम तो। अच्छा, आपके पूरे परिवार को ये मदद मिल रही है? नहीं, हम ही लोग रहते हैं यहाँ, परिवार गाँव में। हाँ जी, तो उसमें कुछ और जरूरत पड़ती है आपको, दवाई वगैरह की भी? दवाई तो गाड़ी आती, दवाई हमें बीमार तो है नहीं, दवाई नहीं लेकिन गाड़ी आती है। आपका क्या नाम भैया? बाबा कोई नहीं, आप बताओ, आपको मिली है मदद कोई यहाँ से? जो खाने का पैकेट हो रहा है। हाँ जी सर, खाने के पैकेट मिल रहे हैं? हाँ जी, मिल रहे हैं इसकी तरफ से, मिल रहे हैं सर। अच्छा, क्या नाम आपका? विजय डोगरा जी। विजय डोगरा, ये आरएसएस वाले जो पैकेट पहुँचा रहे हैं, घर में ही पहुँचाते हैं? घर पे ही पहुँच रहे हैं और बाहर भी मिल जाते हैं। बाहर भी मिल जाते। आपका क्या नाम है जी? रामचंद्र। तो आपको खाने का पैकेट मिल रहा? खाना पैकेट तो अभी तक मेरे को नहीं मिला जी, मैं यही रहता हूँ। बता रहे हैं लोग जो है ये, वो सब दौड़ते हैं, मैं तो दौड़ता नहीं, जाना बाहर नहीं है, वो तो घर पे लेके आ रहे हैं। मैं तो यहीं रहता हूँ, आज तक कोई लेके आया। तो भैया आप इन्हें बता देना कैसे मिलता है, ठीक है? मंदिर में मिलता है ना? हाँ, मंदिर में मिलता है, नहीं यहाँ भी लेके आते। मंदिर में ले आना, मंदिर में, पीछे मंदिर में मिल रहा है भाई। आपका क्या नाम भैया? मोहम्मद इस्लाम। तो मोहम्मद इस्लाम जी, आपको ये पैकेट मिल रहा है भोजन का? तो मंदिर में ही खा लेते अभी रोज, कमाने खाने वाले थे, पटरी पे सोने वाले थे। अभी मंदिर में मिल रहा है? हाँ, मंदिर में मिल रहा है। जाते हैं जहाँ आरएसएस वाले बना रहे हैं, वहीं आपको देते हैं वो? हाँ, वहीं पे देते। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आप इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं जी, ये हिंदू का संगठन है, हिंदू मंदिर? नहीं जी, अभी तो मजबूरी में तो चलाना ही पड़ेगा ना जी, क्या करेंगे। मतलब आपको कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम भैया? मोहित है जी। मोहित, आपको भी ये मदद मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली अभी तक, दिल्ली सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से खाना वाना तो मिल रहा है। मिल रहा है, ठीक है। कौन दे रहा है खाना, गली गली में मांगना पड़ रहा है, जाप तो जाके दो रोटी मिल रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही क्या? बिल्कुल भी नहीं मिल रही भाई साहब, सब गली गली में घूम घूम के खा रहे, जब तो रोटी मिल रही है खाने को। केजरीवाल ने कहा है कि 4 लाख लोगों को, खुद गली गली में मांग मांग के लेके आ रहे हैं, बच्चे भूखे मर जाए अगर हम गली में ना मांगे तो। लोग बाग तो झूठ बना रहे बातें। केजरीवाल क्या कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा किसी के लिए। वो कह रहा है 4 लाख लोगों को भोजन, कुछ भी नहीं कर रहा। कौन सा 4 लाख है, बुलाओ ना, कौन सा 4 लाख लोगों को तुम्हारे को करवा केजरीवाल ने भोजन कराओ। वो कर रहा बात, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो हमने वो बनाए हैं रैन बसेरा, उसमें रहो आके। बसेरे में तो लोग बाग पता नहीं क्या क्या दान कर रहे हैं, दूसरे को भी तो दान करो क्या, रैन बसेरे को ही दान कर रहे हो? रोड पर पब्लिक मर रही है भूखी, रोड वाले को तो दान। अरे कहीं नहीं हो रहा दीदी, कुछ भी किसी के घर में कुछ नहीं जा रहा, जो अपना अपना कर रहे हैं जो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, झूठ कह रही हो। केजरीवाल झूठ बोल रहा? हाँ, केजरीवाल ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ, झूठ बोल रहा है केजरीवाल। आप क्या कह रहे भैया? सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिल रहा। क्या नाम आपका? रामचंद्र। कहाँ रहते हो? यहीं रहता हूँ, पटरी, यही पटरी पे सोता हूँ। हाँ, झंडेवालान पटरी। अच्छा, ये झंडेवालान में? तो केजरीवाल कह रहा है हमने घर घर पहुंचाने का इंतजाम किया, 4 लाख लोग। आलू लेने चले जाओ तो 50 रुपए किलो बिक रहा है, एक बीड़ी बंडल लेने चला जाओ 15 रुपए की मिल रही है, सुरती लेने चला जाओ 15 रुपए पैकेट बिक रहा है, क्या क्या टमाटर। जो लोग दिल्ली छोड़ करके गए, इसका मतलब किस लिए गए? खाने के लिए तकलीफ गए हैं, सरकार की वजह से गए हैं। सरकार अगर बंदोबस्त किया होता, जो जहाँ काम जो करता है उसके मालिक के ऊपर डंडा सरकार चढ़ाया होता तो कौन जाता? कोई नहीं जाता, पेट पर्दा मिलता रहेगा, कौन जाएगा? पहले आप सोचो, 15 रुपए की बीड़ी बंडल, 10-15 रुपए की वो तमाकू बिक रही है, 80 रुपए किलो टमाटर मैं खुद लेके आया हूँ। आप कह रहे हैं सरकार की तरफ से कोई कंट्रोल नहीं दुकानदारों के ऊपर, मतलब कोई कहीं देखभाल है ही नहीं। 40 रुपए किलो आटा बिक रहा है ब्लैक में, 40 रुपए किलो मैं खुद लेके आया हूँ।
केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली फ्री दी, कहता गरीबों को। वो दिखाने के लिए है, वही चूस रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। मैं तो नहीं जानता कि कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, चूस रहे हैं पब्लिक को उल्टा। इस समय कोई मदद नहीं हो रही है, आपकी कोई मदद हुई जी सरकार को? भाई हम लोग तो बस वैसे ही, जो हम लोग को किसी से कोई सुविधा नहीं मिली, किसी से नहीं। ये मतलब क्या कर रहा है? हम तो भूखे मर रहे हैं, कभी कहाँ दुकान में मांगते, कभी कहाँ घरों में मांगते हैं, कोई भी नहीं दे रहा, कहीं नहीं, कोई भी नहीं। केजरीवाल सब झूठ है, ये कोई भी कुछ नहीं कर रहा बहन जी हमारे लिए, कोई भी। केजरीवाल क्या कर रहा है, किसके लिए गली? अच्छा ये आपको पता है, मंदिर में ये आरएसएस वाले भोजन बांट रहे हैं दो टाइम। चलो अभी बता देते हैं हम आपको, यहाँ अंदर जाओ गली में, ये गली में जाओ। ये मंदिर वाले भी इसलिए कर रहे हैं, नोटों का भंडारा होता है ये हर साल। नहीं 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 सुनिए 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 सुनिए, अभी मैं आपको ठीक कर दूं, मैं अंदर से ही आया हूँ। ये भंडारे का नहीं है, ये आरएसएस एक संगठन है, वो उनकी तरफ से हो रहा है। आप जाओ अभी, पैकेट तैयार हो रहा है, आरा नहीं मिल रहा है यहाँ। झंडे वालान में, झंडे वालान में चारा लेने जाओ तो वो 15 रुपए किलो दे रहे हैं। कितने कितने जानवर हैं? कम से कम भी यहाँ हजारों जानवर होंगे, हजारों जानवर भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। अच्छा कह रहे बाहर। क्या नाम आपका? सोनू। तो अच्छा यहाँ बैलगाड़ी चलाते हैं? बैलगाड़ी चलाते हैं, मजदूरी करते हैं बाबूजी। चारा नहीं मिल रहा है, पशुओं को भूखे को 6 दिन हो गए हमें, ना कोई चारा मिल रहा ना कुछ मिल रहा। चारे वाले के देखो स्ट्रॉन्ग है ना भी, वो दे रहे 15-15 रुपए किलो। अब बताओ जो काम धंधा नहीं, हम कहाँ से खिलाएंगे? सरकार कह रही है कोई ब्लैक कर रहा है, उसकी शिकायत करो। ब्लैक कोई नहीं कर रहा, ब्लैक ने चारे के पैसे बढ़ा रहे हैं, पैसे बढ़ा दिए हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, हम तो ये चाह रहे मोदी जी हमारे बैलों का चारा दे, हम भूखे रह जाए, हमारी गौ माता दिल्ली सरकार, हमारी गौ माता ये हमारी जरूर बताना रिक्वेस्ट करके बाबू जी। ठीक है, देते हैं वोट और किसी को नहीं देते, अभी भी वो उनको जितवाए हमने वोट दे देंगे, मदद कर नहीं रहे हैं वो। हम ये कहना चाह रहे हैं हमारी गौ माता, हमारे पशु भूखे हैं, इनकी व्यवस्था करो हमारी। हमारे साथ राजेंद्र सिंह चौहान जी हैं जो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, और उन लोगों को जो गरीब लोग हैं जिनके लिए ये पैकेट फूड तैयार किया जा रहा है, उनका जो ये यहाँ पर बन रहा है पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि कितने लोगों को वितरण हो रहा है, कितने लोगों में कितने लोगों को राहत पहुँचाई जा रही है। सर, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से ग्रसित है, उस टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में लॉकडाउन के आदेश दे दिए हैं, जनता से घरों में रहने की अपील की है, लेकिन कुछ ऐसा वर्ग है जिनको खाने की दिक्कत हो रही है, लॉकडाउन से कई प्रॉब्लम हो रही हैं, तो क्या आप लोग उन लोगों के लिए यहाँ पर पैकेट फ्रूट तैयार कर रहे हैं? ये कितने दिनों से चल रहा है? ये हम उन्हीं लोगों के लिए जो घरों में कैद हैं, गरीब हैं, कमाई अब ख़त्म हो गई है, घर में राशन ख़त्म हो गया है, ऐसे लोगों को उनके घरों तक ये हम उनका भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 25 तारीख नवरात्रे के पहले दिन से हमने ये शुरू किया है, और हर रोज़ उस दिन 7,000 हम लोगों ने दिया था, अब वो हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, अभी लगभग 22,000 लोगों को हमने कल दिया है, अभी आज का शाम को आंकड़ा निकलेगा कितने को गया है, तो ये बढ़ाता जा रहा है, हम किसी को भूखा नहीं मरने देंगे, ये संकल्प है हमारा। 7,000 पहले दिन जब 25 तारीख को शुरुआत हुई थी तो 7,000 लोगों को दिया गया था, लेकिन बढ़ के कल 22,000 हो गया है, और आज देखते हैं कि कितने लोगों में ये वितरित करेंगे। तो जिस तरीके से दिल्ली छोड़ के लोग पलायन कर रहे थे, अब उन लोगों के लिए व्यवस्था के लिए इन लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। तो हम बात कर रहे हैं कि सर ये जो धनराशि कहाँ से आ रही है, सरकार आपकी मदद कर रही है या आप इंडिविजुअल? नहीं, हमें तो हमारे जो मंदिर के भक्त लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, तो वही सब दान में देते हैं, क्वाइंस भी देते हैं और सामान भी देते हैं सब, और सहयोग पूरा देते हैं, वो उन्हीं के कारण से ये सारा चल रहा है। तो सर सेवा भारती भी इसमें जुटी हुई है? इसमें सेवा भारती भी है, और हमारा संघ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो भी, ये दोनों भी जी जान से जुटे हैं, वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, और सब तीनों हम मिल करके काम कर रहे हैं। सर और भी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो दिल्ली में उन वर्गों को पहुंचाई जा रही हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे और लॉकडाउन से परेशान? नहीं, सेवा भारती में तो मेडिकल भी चल रहा है उनका, लेकिन हम केवल ये जो भोजन का है मामला, ये सारा ये विषय हाथ में लिया हुआ है, इसी में हम यहाँ पर भोजन की व्यवस्था देख रहे हैं और उसमें मेडिकल की भी और कई अन्य सुविधाएँ दी जा रही हैं। हाँ, हमारा मंदिर का प्रकल्प है मेडिकल का, उसमें तीनों तरह की लैब हैं, हमारे काम चलती हैं, तो वो वहाँ पर रोज़ाना मरीज आ रहे हैं खूब अच्छी बड़ी संख्या में, हम जाते नहीं हैं बल्कि हमारे पास मरीज आते हैं उसके जो डिस्पेंसरी उसमें आते हैं, तो वहाँ का इलाज करते हैं, कोई ज़्यादा सीरियस होता है तो उनको हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं,
जो हम ठीक कर सकते हो हम ठीक करते हैं उसको। थैंक यू सो मच सर। इस वितरण में और यहाँ पर जो बन रहा है ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से बनने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक कितने लोग लगे हुए हैं, संख्या कितने कार्यकर्ता? अभी यहाँ पर तो 55 के करीब 4 घंटे के लिए आते हैं, फिर 4 घंटे में इनकी पारी बदल जाती है, दूसरे 55 आ जाते हैं। और पूरी दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता फैले हैं, लगभग 2000 के आसपास जो लाते हैं, ले जाते हैं, वहाँ बांटते भी हैं उनको, तो 2000 के करीब वो हैं इस इतने संख्या में लगे हुए। सर आपका कहना है कि यहाँ पर 55 लोग आते हैं, 4 घंटे की शिफ्ट करते हैं, उसके बाद चेंज हो जाते हैं 55 लोग, और पूरे दिल्ली में 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं जो फैले हुए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ से लेके जाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच सर।